हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बीट। आज हम लोग क्लास टेंथ के एनसीईआरटी के मैथ में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका भूमि है, समतल भूमि है। इस पे क्या है? भवन है। क्या है? भवन है। भवन के शिखर पर एक यानी संचार लगी हुई है, संचार लगी हुई है। यानी अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे मीनार के तल है, यानी ये आपका भवन है। भवन के ऊपर में क्या है? मीनार है, संचार मीनार है। मीनार का तल आपका ये हो गया। तल से यहाँ से यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है भूमि का? तल से 45 डिग्री का, यहाँ से 45 डिग्री का बना रहा है। और संचार का जो शिखर है, शिखर से यहाँ से वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो हम मिला देते हैं यहाँ पे। अब मिला दिए, अब यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है और ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें हमको निकालना है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये आपका संचार मीनार है, इसका आपको ऊंचाई निकालना है। ये आपका भवन का शिखर का मीनार का ये तल हो गया और मीनार का तल का ये भूमि का यानी भवन का शिखर हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये आपका कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है। अब उसको हम ये आपको यानी क्या कहते हैं, एग्जाम में नहीं बनाना है, यहाँ पे ऐसे ही फिगर ये बनाना है आपको। अब यहाँ पे ये आपका 20 मीटर है, ये आपका क्या मीनार है। तो इसको यदि हम h मान ले, ये आपका कितना है? 45 डिग्री बना रहा है और ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। अब उसको हम नामकरण दे देते हैं। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई निकालना है, यही निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पे ये आपका क्या है? थीटा के सामने सामने क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यदि बी डी कितना हो गया? 20 प्लस एच हो गया। आपका सी डी कितना है? एच है। तो यहाँ पे बी डी हो गया 20 प्लस एच। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, आप फिर समकोण त्रिभुज ए डी आप बी को लेंगे। तब उसको हम फिगर जैसे बनाए हैं इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। देखिए, माना कि संचार की मीनार की ऊंचाई h मीटर है, भवन की ऊंचाई bc बराबर 20 मीटर है। यही आपका क्या है? भवन की ऊंचाई bc बराबर 20 मीटर है, जिसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। देखिए यहाँ पे भवन के ऊपर में क्या है? एक मीनार है, जिसकी हाइट क्या मान ली हम? h मीटर मान ली है। और यहाँ पे कोण bac, bac पे 45 डिग्री बन रहा है और bad पर कितना बन रहा है आपका? यानी 60 डिग्री बन रहा है। और ए बी को हम कितना मान लिए? x मान लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका समकोण बन रहा है ना। तो यहाँ पे यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेंगे तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पे और ए क्या है? आपका आधार है। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो अब यहाँ पर हम यानी समकोण त्रिभुज BAC को लेंगे, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज बी ए सी में। यदि बी ए सी में लेंगे तो टेन कितना था, 45 डिग्री था ना, टेन आपका 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी हम लिख देंगे। अब यहाँ पे बी सी बराबर कितना माने हैं 20 मीटर और ए बी बराबर कितना माने हैं 1 मीटर माने हैं, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे बी सी कितना माने हैं 20 अपॉन ए बी कितना माने हैं एक्स माने हैं, तो क्रॉस बाई यदि गुना कर देंगे तो एक्स बराबर कितना निकल गया आपका 20 मीटर निकल गया, कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। तो अब यहाँ पे एक्स लिखे या ए बी लिखे, ए बी भी लिख सकते हैं है ना, या एक्स लिखे 20 मीटर। अब फिर आपका फर्स्ट पार्ट तो निकल गया, देखिए टेन 45 का निकल गया। अब यहाँ पे क्या हमको निकालना है, एच निकालना है ना, इसका निकालना है ना हमको, तो ए बी सी का ही निकला है, ए बी सी का निकला है, तो यहाँ पे फिर बी ए डी का निकालेंगे है ना। तो अब फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, अब यहाँ पे बी ए डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 यहाँ थीटा के सामने सामने क्या होता है लंब होता है, तो ये पूरा आपका लंब हो गया ना बी ए डी में, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या लिए थे बी ए सी में लिए थे, लेकिन यहाँ पे अब पूरा ले रहे हैं बी ए डी में, क्योंकि संचार का मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आपका आधार है ही, तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार होता है, तो बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा। बी डी बराबर क्या था आपका, यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा रूट तीन होता है, और बी डी बराबर यहाँ पे 20 प्लस एच है, क्या है 20 प्लस एच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 20 प्लस एच और ए बी का मान क्या था एक्स मान लिए थे, तो अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है 20 मीटर है यहाँ पे, है ना, यहाँ से हम यहाँ पे रख देंगे, तो रूट तीन बराबर 20 प्लस एच और एक्स का मान यहाँ से हम यहाँ पे उठा कर देते, क्योंकि हमको एच निकालना है, तो यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा, है ना। अब इसको क्रॉस बाय गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एच को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 रूट तीन है, गुना 20 गुने रूट तीन, तो 20 रूट तीन हो जाएगा। अब यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 20 रूट तीन माइनस माइन यहाँ पे क्या है प्लस 20 एल एच एस साइड में है, तो आर एच एस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 20 यदि कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट तीन माइनस वन, तो एच बराबर क्या हो गया आपका 20 रूट तीन माइनस वन। तो हमको एच किसको माने थे मीनार की ऊंचाई को ही माने थे ना, मीनार की ऊंचाई को ही माने थे, तो हमको क्वेश्चन में क्या मांग रहा है मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू रूट तीन माइनस वन क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा आपका, है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है www.studybee.in, इस पर जाकर आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।